फरिश्ता ऐसा कहता है, जो इतिहासकार फरिश्ता था वो कहता है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था आइन उल मुल्तानी, आइन उल मुल्तानी नाम का एक सेनापति था, ये जालौर पर अटैक करता है। कहते हैं कि कानड़देव पर जब अटैक हुआ, आइन उल मुल्तानी थोड़ा समझदार आदमी था, उसने कानड़देव को समझाया कि यार क्या करोगे लड़के फालतू में, संधि कर लो, वरना यार हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। तो कहते कानड़देव ने उससे संधि कर ली। तो 1305 में आइन उल मुल्तानी जो है जालौर पर आक्रमण करता है और कानड़देव को समझा बुझा के संधि के लिए तैयार कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसने कानड़देव को कहा गया तुझे एक बार दिल्ली चलना पड़ेगा, अलाउद्दीन के पास चलना पड़ेगा। तो कहते कानड़देव खुद गया और कानड़देव का बेटा हुआ करता था एक वीरम देव, दोनों बाप बेटे जो थे वो वहां दिल्ली गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। वीरम देव के लिए कहा जाता है कि वीरम देव बड़ा हैंडसम राजकुमार था, अपने टाइम का रणबीर कपूर हुआ करता था। अलाउद्दीन की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी के फिरोजा नाम की बेटी हुआ करती थी। कहते हैं कि जब कानड़देव अपने बेटे वीरमदेव के साथ वहां अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचा तो वहां जल्दी उसके दरबार में अलाउद्दीन ने कहा ठीक है बैठो यहां पर, देखते हैं तुम्हारा व्यवहार वगैरह कैसा है, संधि तुम फॉलो करते हो नहीं करते हो। और जब कानड़देव वहां पर अपने पुत्र के साथ में रह रहा था दिल्ली में, तो ये वीरमदेव की बड़ी चर्चाएं थी दिल्ली के अंदर। एक तो वीरमदेव बड़ा हाजिर जवाब व्यक्ति था, ऐसी कहानियां हैं कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को देखकर कहा, वीरमदेव तो गोरा चिट्टा था, और कहा जाता है वीरमदेव के ये बाल नहीं थे, ऐसे जो अपने हाथों पे न्यू बाल होते हैं शरीर पे जो बाल होते हैं बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन पहले ही बाल नहीं होना थोड़ा बड़ा अजीब सा माना जाता था, आजकल तो सारे सलमान खान टाइप के से ही रहते हैं बाल कटवा लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को देखकर कहा कि यार वीरमदेव जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां रह गया था रे। कहते वीरमदेव ने वापस रिप्लाई किया कि सुल्तान बात सही है तुम्हारी, जब भगवान बाल बांट रहा था तब मैं जो बाल वाली स्टॉल थी उस पर थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि जहां पर बुद्धि बंट रही थी उस स्टॉल पे मैं दो बार चला गया था, अतः जब मैं थोड़ा लेट बाल वाले स्टॉल पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि बाल वाले स्टॉल पर तुम दो बार चले गए थे। उस कहने का मतलब था कि बाल तुम्हारे डबल है पर बुद्धि मेरी डबल है, मेरे बाल नहीं है शरीर पर, तेरे दिमाग नहीं है। पर कहते अलाउद्दीन फिर भी राजी वार, अलाउद्दीन ने कहा यार बड़े जोरदार जवाब देता है यार लड़का। तो चर्चाएं दूर दूर फैलने लगी, फिरोजा तक भी ये बातें पहुंची, उसकी सहेलियां अक्सर उसे बताती कि वीरमदेव आया हुआ है, इतना सुंदर राजकुमार है, जालौर का राजकुमार है, इतने अच्छे जवाब देता है, कल तो तुम्हारे पापा को इतना अच्छा रिप्लाई दे दिया था, तुम्हारे पापा कुछ बोल ही नहीं पाए थे। फिरोजा के भी मन में क्या ऐसा कौन राजकुमार है इसकी चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। एक दिन वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, टीशर्ट विशर्ट और उतारी भी होगी वीरमदेव के। कहते हैं फिरोजा ने अपने महल के ऊपर से उसे देखा और लव एट फर्स्ट साइट, वो फिरोजा की पहली नजर का प्यार था। फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन को कहा कि मैं वीरमदेव से शादी करना चाहती हूं। अलाउद्दीन ने मना किया, काफिर है, गैर मजहबी है, इनसे अपने शादी कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि अब डैडी मोहब्बत ये सब कहां देखती है, और आप मेरी शादी जो है वीरमदेव से कीजिए। अलाउद्दीन अपनी पुत्री के सामने हार मानता है, वो कानड़देव और वीरमदेव के पास जाता है कि मेरी राजकुमारी फिरोजा तुम्हारे राजकुमार वीरमदेव से शादी करना चाहती है। कानड़देव वीरमदेव वहां तो हां भर लेते हैं, उनको लगा कि यार यहां मना किया तब तो दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन अपने को बाहर नहीं निकलने देगा। कहते वहां से वापस जालौर आए और जालौर आके अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया कि हम शादी आज करें कल करें, तेरे जो जी में वो कर लेना। कहते इस बात पर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आया, अलाउद्दीन ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, और अलाउद्दीन इधर अटैक कर देता है। तब कहा जाता था कि यदि आपको जालौर को जीतना है तो उससे पहले सिवाणा जीतना पड़ेगा। सिवाणा का किला भी इन सोनगरों के पास में हुआ करता था। सिवाणा के किले को जालौर की चाबी कहते थे, कि जालौर की चाबी है ये, जब तक ये चाबी नहीं मिलेगी जालौर का ताला कैसे खोल पाओगे। सिवाणा के किले में उस समय सातल और सोम नाम के दो भाई थे जो कि कानड़देव सोनगरा के भतीजे थे।
अलाउद्दीन खिलजी 1308 में एक बड़ा अटैक करता है। सातल और सोम एक भायल सैनिक के विश्वासघात के कारण साका करना पड़ता है उन्हें। यह सिवाना का पहला साका था। अलाउद्दीन खिलजी कब्जा करता है, सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर देता है। उसके बाद उसने आगे जालोर पर अटैक किया। 1311 में जालोर में भी साका किया गया। कानरदेव और वीरमदेव यहां पर लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर भी कब्जा कर लेता है। उसने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। कमालुद्दीन गुर्ग उसका एक मुख्य सेनापति हुआ करता था। बातें लिखो, बीच में थोड़ी बातें और है, मैं और बताऊंगा आपको साथ साथ में। कहते हैं कि इस हमले से पहले फिरोजा खुद आई थी यहां पे वीरमदेव से बातचीत करने के लिए कि शादी कर ले, क्यों लड़ाई कर रहा है फालतू में। वीरमदेव मिलने भी नहीं गया था। वीरमदेव शादी के लिए साफ साफ मना करता है। कोई मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परनो तुरकड़ी ने उल्टो हो गए भाण। यदि मैं तुर्क कन्या से शादी करता हूं तो सूर्य पश्चिम दिशा में उगेगा, कि या तो सूर्य पश्चिम में उग सकता है या मैं तुर्क कन्या से शादी कर सकता हूं, दोनों असंभव है। ना कभी सूर्य पश्चिम में उदित हो, ना वीरमदेव तुर्क कन्या से शादी करे, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल मेरा कुल चौहान बल्कि मेरे ननिहाल वालों का कुल भाटी भी लज्जित होता है। कहते हैं कि जब वो नहीं माना, फिरोजा वापस चली गई। फिरोजा की एक दहाई माँ हुआ करती थी गुलविहिस्त, उसने भी वीरमदेव को मनाने की कोशिशें की थी, नहीं माना। फाइनली लड़ाई हुई, वीरमदेव लड़ता हुआ मारा गया। तो फिरोजा ने सैनिकों को कहा था कि वीरमदेव को हो सके तो जिंदा पकड़ के लाना, जिंदा नहीं मिले तो उसकी डेड बॉडी लेके आना। वीरमदेव जिंदा तो क्या ही मिलता, युद्ध में बेहद बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। शरीर के अंग कट कट के अलग अलग स्थानों पर गिर गए थे, उसकी बॉडी नहीं मिली। कहते फाइनली तुर्क सैनिकों को उसका सिर मिला था, इतनी मुंडी मिली थी। कहानी का आगे का हिस्सा और बड़ा जोरदार है कि उस मुंडी को लेकर, उस गर्दन को लेकर तुर्क सैनिक जब दिल्ली पहुंचे, फिरोजा के सामने थाली के अंदर पेश किया गया उस सिर को। राजस्थान के किसी कवि का एग्जेजरेशन है, अतिशयोक्ति है दोहे के अंदर, कि फिरोजा जब उस चेहरे को देखने के लिए, फिरोजा ने कहा कि जिंदा रहते तो ये कभी मेरे से मिला नहीं, मैं इसको भर पलक निहार नहीं पाई, अब जब मरा हुआ है, गर्दन मेरे सामने पड़ी है, कम से कम इसका चेहरा तो देखूं, आंखों में भर लूं इसके चेहरे को तो कम से कम। कवि कहता है कि जब थाली में उसके चेहरे को देखने के लिए फिरोजा आई तो चेहरा घूम जाया करता, जिधर फिरोजा देखती उधर नहीं देखता, चेहरा इधर हो जाता, कभी इधर हो जाता, वो गर्दन घूमने लग गई थी। उसने कहा था मरने के बाद भी तुझे मैं दिखाई तो नहीं दूंगा। फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदुवाणी हुई हमें, मारा भो भोरा भरता रसीस ने ढूंढ सोनीगरा, कि हे सोनगरा मैं तुर्कों की सारी बातें छोड़कर तेरे लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, हे मेरे साथ जलमोगे पति, इस प्रकार सिर तो मत घुमा, पर सोनगरा मान थोड़ी जाए। फाइनली कहते हैं कि फिरोजा वीरमदेव की उस गर्दन को लेकर यमुना नदी में कूद गई थी। मुझे लगता है वाकई जलजोहर फिरोजा ने किया था, क्या बेपनाह मोहब्बत की थी उसने, कि अंत में उसी के साथ में उसने कहा अब तू नहीं तो अब अपने भी जिंदा रह के क्या करेंगे। किसी बॉलीवुड वाले की पता नहीं क्यों नजर इस पे नहीं है, मेरे पास जब खूब सारे पैसे आ जाएंगे तब मैं वीरमदेव पे मूवी बनाऊंगा। आप में से यदि किसी को मूवी में कोई रोल चाहिए तो आप नाम लिखवा देना नवीन जी के पास में, आपको कंसिडर किया जाएगा बाद में। किसी को बिका दैया बनना हो, किसी को हीरा दे बनना हो, जो भी रोल चाहिए आपको, आपने नाम के आगे लिखवा देना कि सर ये रोल चाहिए, फिर आपका ऑडिशन लेके फिर उसके बाद आपको फिल्म में रोल दिया जाएगा।